और हाँ, इतना वक्त इसीलिए लग गया क्योंकि हमने मूवी बनाई है, बोल दिया मैंने लोग, इसलिए इतना वक्त लग रहा है, पिक्चर ही बनाई हम लोगों ने। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूँ मिस्टर नेत्र अर्थात नेत्र पटेल। पिछले एक साल से यूट्यूब पर आशीष चंद्रानी का एक वीडियो नहीं आ रहा है, अगर कुछ आ रहा है तो बस उनकी ब्रेकअप होने की खबर, जो न्यूज मैंने अपने इस वाले वीडियो में कवर की है, और दूसरा वो पतले हो गए हैं उसकी खबर ही आ रही है। लेकिन फाइनली जो उनका अपकमिंग यूट्यूब पर वीडियो आने वाला है या फिर मूवी ही बोल लो, इसके बारे में आशीष चंद्रानी ने अपने इंस्टाग्राम पर ये अपडेट देते हैं। दोस्तों मारो गाली यार, वीडियो के लिए मारो, जितनी गाली मारोगे मुझे उतना मजा आ रहा है, क्योंकि काम तो चल रहा है, तो रोज चल रहा है। इनफैक्ट अभी और शूटिंग करने वाले हम लोग, मारो मारो मारो, आई लव यू गाइस। ये जो वेट है ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ वर्थ इट रहेगा। एंड ऑब्वियसली काफ़ी लंबा वेट हो गया है, एंड सब लोग पूछते रहते हैं इतना टाइम क्यों लग रहा है। एक बार आप देखोगे तो आपको रियलाइज होएगा कि हाँ, ये चीज़ को अगर टाइम नहीं लगेगा तो किसको टाइम लगेगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू ऑल टू सी इट, वेरी एक्साइटेड। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं इस प्रोजेक्ट में, भाई सब ने जान लगा दी है, एंड बढ़िया है वो यार, लव देम। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो इतना वक्त लिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करने के लिए लिया गया है। मेरे जो होली के पहले हुआ था वीडियो के साथ, मैं कभी नहीं भूलता वो इंसिडेंट ने मेरे को इतना, अगर आप तुम लोग 2023 में जाके देखोगे ना, वो बिग बॉस के वीडियो के नीचे मैंने कमेंट भी किया था कि कुछ अब मेरे से गलती हुई है, अब छाछ क्या, मैं तो चिल्ड ग्लेशियर भी फूक फूक के पीऊँगा। तो वही चल रहा है, एंड सपना है मेरा यार, मैं अपना सपना पूरा करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट से। मुझे मालूम है आप लोग को रेगुलर वीडियोस चाहिए, आप लोग को बोलते रहते हो आप, मुझे पुराना फील चाहिए, पुराना फील चाहिए, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, ये जो कहानी मैंने लिखी है इसको एक मौका दो, क्योंकि ये जो कहानी हमने लिखी है, हमने ही लिखी है जिन्होंने वो वीडियोज़ बनाया जो आपको पसंद आते हैं, तो कुछ तो सोच समझ के लिखा होगा, इसे मौका दो। नहीं अच्छा लगा, देखो वो तो किसी के हाथ में नहीं है, हो सकता है, मैं तो बोलता हूँ आज मैं ये मुंह खुला बोलता हूँ, हो सकता है ना भी चले, सक्सेस और फेलियर वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत वो मेरे हाथ में। एंड ये जो इतनी मेहनत की, इतना टाइम वक्त लिया गया है, एक एक सीन पे काम किया गया, वो आप लोगों के लिए ही किया गया है। आई कांट स्ट्रेस इट इनफ, दैट्स इट। और हाँ, इतना वक्त इसीलिए लग गया क्योंकि हमने मूवी बनाई है, बोल दिया मैंने लोग, इसलिए इतना वक्त लग रहा है, पिक्चर ही बनाई हम लोगों ने। और आशीष चंद्रानी ने फोटो भी शेयर किया है, हैशटैग आशीष चंद्रानी वाइंस 159। ये इस फोटो में छलांग लगा रहा है, इससे पॉसिबिलिटी है कि उनकी कुछ एक्शन मूवी आ सकती है या फिर VFX सुपर हीरो मूवी आ सकती है, क्योंकि गाइस जो आशीष चंद्रानी को बहुत सालों से लगातार देखता आ रहा है, उनको पता है कि आशीष चंद्रानी मार्वल सुपर हीरो मूवी के हार्डकोर फैन है। इसका मतलब 70% सुपर हीरो टाइप मूवी आ सकती है। आशीष चंद्रानी की इंस्टा पर ये सब स्टोरी देखने के बाद एक बंदा उनको ये मैसेज करता है, बीसी अगर ये वेट वर्थ नहीं रहा, माँ कसम तेरे घर पे आकर तुझे मारूंगा। जिस पर आशीष चंद्रानी ये रिप्लाई देते हैं, चलो डील। और गाइस आपको आशीष चंद्रानी के ब्रेकअप स्टोरी वाला वीडियो आपको देखना है कि सिमरन कौर ने भी उनको क्या रिप्लाई दिया जब उनके फैंस लगातार सिमरन कौर को मैसेज कर रहे थे और उनको एक्स गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं, अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो आप इस वीडियो में ही देख सकते हो। ऐसे ही दोस्तों यूट्यूबर्स के बारे में इंटरेस्टिंग न्यूज आपको सबसे पहले जाननी है तो आपको क्या करना है वो सबको पता है, क्योंकि अब तो 5 साल के बच्चों को भी पता है कि रेड वाला बटन दबाना होता है।